हेलो दोस्तों नमस्कार। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बीसीपी इंडिया एप्लीकेशन में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहां पे सर्च करना है बीसीपी इंडिया। बीसीपी इंडिया एप्लीकेशन आपके सामने शो होगा, वहां पे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपका आईडी ओल्ड है तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका आईडी ओपन हो जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस किसी ने भी आपको स्पॉन्सर किया है या किसी ने भी आपको इस बारे में बताया है उनका आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी एंटर कर देना है। और उसके बाद में यानी स्पॉन्सर आईडी आपका मोबाइल नंबर ही आपका स्पॉन्सर आईडी होगा। आप किसी को भी रेफर करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर से ही उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर जो है स्पॉन्सर आईडी ही है। और आप उसके बाद में स्पॉन्सर आईडी एंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। और आपको सबसे पहले जिनका भी स्पॉन्सर आईडी आपने यहाँ पे एंटर किया था उनका आपको नाम नज़र आएगा। उसके नीचे का जो कॉलम है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जहाँ पे आपको योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और इसके नीचे में आपको नेम, यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में पैन कार्ड में जो राइट नेम हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके नीचे में आपको मेल एंड फीमेल, आप मेल है या फीमेल है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके नीचे आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। और फिर आपको सिटी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट आपको स्टेट कर लेना है। और फिर नीचे आपको कॉलम पे क्लिक करके रजिस्टर मी पे क्लिक कर देना है। आप रजिस्टर मी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में एक के आईडी और पासवर्ड का मैसेज आएगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको बैक कर देना है, बैक ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे बैक करेंगे आपके सामने फिर से वैसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे। दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपका आईडी होता है और जो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद मिला वो आईडी वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और जो पासवर्ड जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे यह एप्लीकेशन जो होगा ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। इस तरीके से आपको बीसीपी इंडिया का एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड होगा वो नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी सर्विस होगी दोस्तों, सभी सर्विसेज है यहाँ पे, जो भी सर्विस यूज करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सर्विस यूज करने से पहले आपको यहाँ पे केवाईसी क्लियर करना अनिवार्य होता है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन नज़र आएगा। और केवाईसी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे आपको केवाईसी कर देना। केवाईसी कैसे करेंगे इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पे प्रोसेस से आप बीसीपी इंडिया में रजिस्ट्रेशन।